नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई ब्रेन्स पे। सो गाइस, बहुत बड़ी अपडेट है। अप्रेंटिसशिप, रेलवे की अप्रेंटिसशिप, एक और अप्रेंटिसशिप जो है आ चुकी है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पे 5636 टोटल पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि ह्यूज नंबर है। ठीक है, अभी की अगर रिसेंट की बात करें तो यहाँ का वेस्टर्न रेलवे से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। आपको चैनल पर अपडेट भी दिए हैं, फॉर्म फिलअप का वीडियो दिए हैं, नोटिफिकेशन और कट ऑफ तीनों का वीडियो आपको दिया हुआ हूँ। उसके बाद फिर आपका जो है SCCR बिलासपुर का भी वैकेंसी जो है दिया गया है, और उसमें भी जो है 500 प्लस सीट है, तो आप उसको भी फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। WR का भी फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वीडियो और कैसे अप्लाई करना है, दोनों का जो है वीडियो आप लोग को मिल जाएगा चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहता है। चलिए, यहाँ इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, ये नोटिफिकेशन आज के डेट में जारी किया गया है, और इसमें देखिए कब ये ओपनिंग टाइम एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो 1 तारीख से भरा जाएगा। ठीक है, सुबह के 11 बजे से, यहाँ पे 1 जून से, और ये कब तक भरा जाएगा, तो 30 जून तक भरा जाएगा, रात के 10 बजे तक। ठीक है, टोटल देखिए यहाँ पे जो है 5636 टोटल जो है पोस्ट का निकाला गया है वैकेंसी। देखिए, इसको कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, तो ये जो है आपका NFR indianrailways.gov.in यह वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जनरल इन्फो, उसके बाद यहाँ रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, इसमें आपको जाकर के अप्लाई करना है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, आपको चैनल पर अपडेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ों को डालना है। देखिए, किस मोड पे सिलेक्शन होने वाला है, तो आईटीआई कैंडिडेट्स अप प्लस 10th किए हुए जो कैंडिडेट्स वही अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ की 10th में कम से कम जो है 50% उनका होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि डिक्लेरेशन में आपको कोई गलती नहीं करना है, और कोई भी डिटेल्स आपको गलत नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब सिलेक्शन होगा तो मेरिट के लिए जो कॉल किया जाएगा, तो 1.5 टाइम्स लड़कों को कॉल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि 5000 समथिंग कैंडिडेट्स का जो है सीट निकला है, तो 7500 बच्चों का जो है मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, चैनल पर भी आपको अपडेट देंगे टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट्स इसमें, जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट, चाहे ज्वाइनिंग लेटर, सभी आप लोग को अपडेट मैं करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स अप्रेंटिसशिप का, देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं एक करके। यहाँ पे देख लीजिए और कितने स्लॉट्स खाली हैं। देखिए, सबसे पहला यूनिट है आपका कटिहार। ठीक है, कटिहार TDH वर्कशॉप में यहाँ हम लोग बात कर लेंगे, तो यहाँ टोटल देखिए 919 सीट है, और कौन कौन से स्टेट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टेट का निकला है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे जस्ट अभी। देखिए, इसके बाद है अलीपुर द्वार, यहाँ पे 522 सीट टोटल है। फिर रंगिया पे 551 सीट है, यहाँ पे लिमडिंग जो है यहाँ से निकला हुआ है, 1140 का निकला है, ये यूनिट है सारा। ठीक है, वह तीनसुकिया से देखिए 547, फिर न्यू बोंगिया गांव करके इस तरह कुछ है 1110, फिर डिब्रूगढ़ से देखिए 847 टोटल सीट, तो टोटल मिला दे तो 5636 टोटल यहाँ पे पोस्ट है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है, ठीक है, फिजिकल कॉपी नहीं भेजना है आपको, ऑनलाइन सिर्फ अप्लीकेशन जो है फॉर्म फिलअप करना है, और उसका एक सॉफ्ट कॉपी रख लीजिएगा, प्रिंट करा के भी रख सकते हैं। कटिहार डिवीज़न से बात करेंगे तो कौन कौन ट्रेड्स के लिए देखिए निकाला गया है, पीरियड जो है ट्रेनिंग का 1 साल ही होगा, आईटीआई का जितना भी होता है अप्रेंटिसशिप 1 साल का ही होता है। मैशनिस्ट के लड़के भर सकते हैं, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैशनिस्ट, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिर यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन, एसी मैकेनिक हो गया, ये देखिए इलेक्ट्रिकल सेक्शन, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप से इलेक्ट्रीशियन का, अलाइनमेंट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कारपेंटर, प्लम्बर, मैशन, और फिर यहाँ पे पेंटर। तो ये किन कहाँ से था, ये कटिहार डिवीज़न का इतना वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें कि टोटल जो है आप लोग का 919 टोटल पोस्ट था, और यहाँ पे जो है ये सभी ट्रेड एलिजिबल हैं, तो आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा आपको भरना है। इस पर मैं कट ऑफ वीडियो देखूंगा, लाने का प्रयास करूंगा, कट ऑफ का वीडियो जो है आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि कौन सा आप यूनिट सेलेक्ट करें। ठीक है, कौन सा मतलब कि डिवीज़न से मतलब कि भरे फॉर्म, जैसे कटिहार का डाले या फिर अलीपुर द्वार का डाले, ऐसे करके सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए फ़िटर है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपका अलीपुर द्वार का, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, ये सभी हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन हो गया, फिर एस एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, फिर इंजीनियरिंग में देखिए कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन और पेंटर, लगभग इतने ही ट्रेड्स यहाँ पे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड यहाँ पे मैं देख नहीं रहा हूँ। फिर रंगिया, फिर देखिए यूनिट में यहाँ पे सारे सीट मैट्रिक्स हैं, इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ये PDF आप लोग को मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी अपडेट सबसे पहले वहाँ मिल जाता है आप लोग को टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिमडिंग का, तो ये पूरा है सीट मैट्रिक्स है, देख पा रहे होंगे आप लोग,
ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं धीरे धीरे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग का कौन सा ट्रेड अगर यहाँ पे ट्रेड आपका है तो आप लोग अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तिनसुकिया की बात करें तो मैसनिस्ट है, वेल्डर है, सभी ट्रेड है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कम मतलब कि पोस्ट है, जैसे यहाँ पे जो मतलब ट्रेड्स भी कम है। फिर यहाँ पे देखिए बोंगिया गाँव जो है, ठीक है, बोंगाई गाँव करके वर्कशॉप है यहाँ पे इस यूनिट से। देखिए इतने इतने जो है वैकेंसी है। चलिए अब यहाँ पे हमने डिब्रूगढ़ का देख ले, तो यहाँ पे देख डिब्रूगढ़ से इतना है टोटल, ये सारे पोस्ट मतलब कि ये सारे ट्रेड्स एलिजिबल हैं। चलिए अब ये चीज़ें हो गई, अब विजिट मैट्रिक्स आप समझ गए, कौन कौन ट्रेड एलिजिबल है ये समझ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ST SC OBC का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला चाहिए, आप लोग बनवा लीजिएगा, आप लोग जो है यहाँ पे स्टेट वाला नहीं दीजिएगा। उम्र की बात करूँ तो 15 साल मिनिमम है और यहाँ 24 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ST SC के लिए जो है 5 साल इसमें जोड़ दीजिएगा तो 29 साल हो जाएगा, और OBC के लिए यहाँ पे 27 साल हो जाएगा लास्ट, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन का 10 साल का अतिरिक्त मिलता है। और यहाँ पे हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है क्रीमी लेयर नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों का, ये चीज़ें जो है देना पड़ेगा, सेंट्रल वाला बनवा करके देना पड़ेगा। पेमेंट देखिए यहाँ पे 100 रुपया का आपको फीस देना पड़ेगा, जो कि जनरल और OBC के लिए है, और ST SC गर्ल्स कैंडिडेट फ्री रहता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। 1 तारीख को आपको वीडियो मिल जाएगा फॉर्म फिलअप का। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका जो ट्रेड्स वाइज जो स्टैंडर्ड्स रखे गए फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ये वो जो कैटेगरी के पर्सन है वो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। यहाँ पे जो है हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे तो आप लोग को मैंने बताया कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना है, सारा चीज़ को यहाँ पे अपना रख लीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह चाहिए इसके लिए। फिर जो है आपको एप्लीकेशन का जस्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ITI का मार्कशीट, कॉन्सुलेटिव मार्कशीट अपलोड करना होगा, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें अपलोड करने के पहले के फॉर्म्स भरवाए गए हैं, इस बार इसमें भी लिया जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी, फोन नंबर आपका जो है वैलिड होना चाहिए ऑनलाइन, जो कि NAPS पोर्टल में डाले हुए थे वो हो इसमें दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए ये जरूरी बातें थी यहाँ पे, और मेरे समझ से यहाँ पे जो है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करेंगे। देखिए गाइस तो यहाँ पे जो है 1 साल का तो आपका जो पहले अप्रेंटिसशिप होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, और इसमें लगभग आपको 7.5 से 8 हज़ार के बीच आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं आपको कितना मिलेगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। यहाँ पे देखिए NX1 में यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC के लिए। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए OBC का ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आप लोग जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके। और यहाँ पे देखिए गाइज आप लोग के लिए जो अपडेट्स है रिसेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म आया हुआ है, इसका कट ऑफ वीडियो, नोटिफिकेशन वीडियो, फॉर्म फिलअप वीडियो तीनों दे रखा हूँ। उसके बाद फिर SECR जो है बिलासपुर से भी तीनों वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चैनल पे अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेलिस्ट आप लोग के लिए स्पेशल से बनाया गया है जॉब एंड अप्रेंटिस का, उसको चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जितनी भी अपडेट्स होती है सभी आप लोग को मिलता रहता है। धन्यवाद।